नाली विवाद में खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच जमकर चली लाठियां, दोनों पक्ष से 7 लोग हुए घायल, मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद, 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। इटिया थोक थाना क्षेत्र के अड़ंगा का मामला है ये। तो देखिए गोंडा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमीन के लिए जंग किस तरीके से हुई, मारपीट किस तरीके से दो पक्ष आपस में करते नजर आए, वो तस्वीरें आपके सामने। 7 लोगों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कई लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं। अड़ंगा इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीन के लिए जंग, नाली विवाद में ये खूनी संघर्ष हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाल आरो के पास आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे पर लाठियां भांजते हुए नजर आ रहे हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं। 7 लोगों के खिलाफ आपको बता दें जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है, मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है। तस्वीरें भारत समाचार ये आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, मारपीट में दो पक्ष, दोनों पक्षों से कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। राजेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजेश, ये पूरा विवाद हुआ किन कारणवश, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये शिवांगी आपको बता दें कि ये इटिया थोक थाना क्षेत्र का एक अड़ंगा गांव पड़ता है, जहां पे पनारा यानी नाली के विवाद को लेकर के पूरा मामला चल रहा था। कई दिनों से नाली को लेकर के दोनों पक्ष जो है आमने सामने भी आए थे, इसको लेकर के पुलिस के पास शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर के ये दो दिन पहले ये दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इसके बाद दोनों के बीच में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, लाठियां चली, जिसमें से 7 लोग, एक पक्ष से 3 लोग और दूसरे पक्ष से 4 लोग, यानी टोटल 7 लोग घायल हुए थे, जिनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है और उसमें कई लोग गंभीर भी हैं जो जिला अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो फिलहाल 7 लोगों पर देखिए मुकदमा दर्ज किया गया है, जमीन के लिए जंग हुई, अड़ंगा इलाके का यह मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नोएडा से खबर आप